तो भाई हम सुबह से फाइनली यहीं खड़े थे, तो सुबह से मतलब फाइनली मतलब आ गया ऑर्डर अपने भरने का और ये चल रहे हम अब निकलते हैं। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, ये अपने हेमराज भाई, ये खड़ी है अपनी दोनों। अब निकल रहे हैं, बस जा रहे हैं मंडी के अंदर बिहारा। अपनी टीम है बस तैयार, ये करते हैं अब अपनी गाड़ी को स्टार्ट। तो भाई ये निकल गए हैं मंडी के लिए और ये चल रहे हैं यहाँ से मंडी, ये 12 किलोमीटर है और अपने पीछे पीछे चल रहे हैं हेमराज भाई और वहाँ मिलाता हूँ मंडी में जाकर, क्योंकि फोन आ गया भाई जल्दी से आना थोड़ी गाड़ी को, इसलिए निकल गए हम फटाफट मंडी पहुँच जाते हैं और फिर मिलता हूँ मंडी में जाने के बाद। और अपनी गाड़ी लग गई है मंडी में पॉइंट पे भरने के लिए और अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे। अभी जाता हूँ मैं हेमराज भाई के पास, उनकी गाड़ी उधर खड़ी है, उनके पास जा के आता हूँ। यह है मंडी, यह है भिंडी, तो मैं एक बार पहले वहाँ जाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। हेमराज भाई के पास जा के आता हूँ, यह है भिंडी कार्टून। तो भाई ये सामने खड़ी है हेमराज भाई की गाड़ी, आ गया मैं हेमराज भाई के पास और हमारे हेमराज भाई कहाँ है अभी देखते हूँ, ढूंढता हूँ। अंदर एक नहीं है, ओ यो के ये है हमारे हेमराज भाई। और हेमराज कैसे हो? ठीक है बड़े भाई, आप सुनाएं आप कैसे? बस बढ़िया, मजे हमारे, हम भी मजे में। आगे फिर आप भी हैं? हाँ, गाड़ी कहाँ पर लगाई? गाड़ी उधर लगा रखी पीछे में, लगा के लोडिंग पे पॉइंट पे अभी तो नहीं हुई है। चलो हो जाएगी साथ में, अब लगा दी हमने। और भाइयों के बहुत कमेंट आ रहे थे भाई स्टीयरिंग के, तो ये है हमारे खिलाड़ी, ये लेके आए हमारे लिए स्टीयरिंग। तो इनसे संपर्क करना, इनके यूट्यूब आईडी है हीरो ट्रक लवर, ट्रक हीरो, सॉरी ट्रक हीरो, अपना यूट्यूब चैनल है गाइस ट्रक हीरो और इंस्टाग्राम आईडी है ट्रक हीरो 96, वहां पर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। बाकी जिसको भी चाहिए भाई मैं मंगवा दूंगा। बिल्कुल भाई, संपर्क कर लेना, मेरे को बहुत कमेंट आ रहे हैं इसीलिए लेके आया पर्सनली आपके लिए। मंगवा दूंगा भाई जरूर। ओके, तो भाई लग गई अपनी फाइनली, लोडिंग चालू हो गई और मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ 2 मिनट। तो भाई ये टूल पे भी डाल दिया माल वार फिनिश और ये चालू है भिंडी लोडिंग सुपर फास्ट। चालू है लोडिंग, बस थोड़ा सा माल और बाकी रह गया है और अभी निकलते हैं हम। और हेमराज भाई की हो रही है आगे से लोडिंग, उनके पास चलता है, थोड़ा सा माल और रह गया डाल के उनके पास जाते हैं। अब मतलब हो तो ये मंडी से रही है थोड़ी सी आगे से, मतलब अपना हो गया बस थोड़ा सा माल है, इधर उधर 50 डिब्बे और आएंगे, 50 डिब्बे डाले और निकलते हैं यहाँ से फिर। तो भाई हो गई अपनी गाड़ी फाइनली लोड कंप्लीट और ये अपनी बिल्टी मिल गई अपने को पेपर। ये हाइट है, हाइट तो और भी है, दिखा देता हूँ आपको ऊपर तक है और अब निकलते हैं फाइनल कंप्लीट। और हेमराज भाई की भी होगी लोड, थोड़ी और बची है और फाइनली है, अब निकलने की तैयारी है। और ये गाड़ी और अभी लोड हो रही है, अभी तो शीशे में कपड़े वपड़े मार लेता बढ़िया सा, 5 मिनट का टाइम और वो भी निकलने वाली है, तब तक मैं बाहर निकलता हूँ हाईवे पर लगता हूँ। तो भाई ये निकल चुके हैं मंडी से बाहर और ये अभी ये व्यारा के अंदर ही चल रहा है, ये व्यारा से जस्ट बाहर निकला ही है। अब अभी हाईवे आएगा, हाईवे है यहाँ से 2 किलोमीटर है वो जो अपना पलसाना निकलता है, फिर वो आगे फिर अपना दिल्ली बॉम्बे वाला मेन हाईवे मिलेगा, वो पड़ेगा यहाँ से कम ज़्यादा नहीं तो 50-55 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर के आसपास होएगा, 50 तो नहीं, हाँ 50 के आसपास है। तो भाई अभी हेमराज भाई का फ़ोन आया था और वो वर्क के जस्ट निकल गए, वो भी तो 5 मिनट रुक जाते हैं, वो बोले साथ चलते तो 5 मिनट यहाँ खड़ी कर लेते हैं, ये भाइयों के लिए तो जान भी हाजिर है, बस 5 मिनट रुके जाते हैं, आने वाले होंगे 2 मिनट बाद, 2 या 5 मिनट लगेंगे उनको, 2-5 मिनट में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने को, तो कितना चल जाएंगे 2-5 मिनट, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर निकाल लेंगे, इससे तो क्या निकाल पाएंगे। तो बस वो 5 मिनट पहुँचने वाले हैं, पता नहीं गया पानी पीने का पानी भी नहीं है, होटल से भरा नहीं तो पानी कैन भर के ले आएगा वो, क्या लड़का पानी कैन भरेगा तब तक हेमराज भाई आ जाएंगे। और अभी आपको बढ़िया दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा उजाला भी है यहाँ। तो भाई ये हाइट है भाई, अभी क्या सर्दी का टाइम है, थोड़ा गर्मी आने दो, और ये भी हाइट बिल्कुल बॉडी लेवल कर देंगे इसको माल को,
ये ऊपर डिब्बे रखे हुआ ना, ये नहीं रख पाएंगे, रखेंगे नहीं मतलब बाद में, क्योंकि गर्मी में माल गर्म हो जाता है। और पीछे से भी ये कर दिया, और पीछे मैंने आज दो चोटी और लगा ली है, एक इधर और ये, बाकी कल दिन में दिखाऊंगा मैं बढ़िया सा दिखेगा। तो ये रोड है, बस आने वाले होंगे 5 मिनट में पहुँचने वाले होंगे, तब तक रुक के जाते। ये अपनी एक लाइट बंद हो गई है अभी पार्किंग, इसको क्या बोला फ्यूज़ वगैरह हो गया, ठीक है इसको भी करेंगे दिल्ली जाकर कंप्लीट, और अभी तो बस हेमराज भाई का इंतजार है। तो भाई अपन निकल गए अभी, और हेमराज भाई का फ़ोन आया था कि मैं रोड पर लग गया हूँ, हाईवे पर लग गया हूँ, तो हम भी निकल पड़े। तो बस जस्ट 2 मिनट में अभी अपने पास पहुँच जाएंगे, मतलब पकड़ लेंगे अपने को, अपन आराम आराम से चल रहे थे किलो 60-60 के लिए, और वो आ जाओ तो बस फिर जाएंगे खींचा फुल स्पीड। भाई टाइम भी हो गया, 11 बज गई है, आगे की मंडी भी 11 बजे की है, और फुल स्पीड में जाएंगे अभी खींचा खींच, क्योंकि गाड़ियाँ पहले भी जा रही है, कोई लेट हो रही है, कोई क्या हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा खींच के चलना पड़ेगा। तो भाई फाइनली आ गए अपने विजय हेमराज भाई, ये आ गए हेमराज भाई और ये निकल गए। चलो हम भी हाँ ये निकले, ये चल रहे अपने ट्रक हीरो। पार सूरत, सूरत पार करके टोल टैक्स आ गए। तो भाई ये पार करके टोल है सूरत पार करके, और अपनी आगे गाड़ी चल रही है वो, और अभी रुकेंगे टोल पे, टोल पार करके उनका डीजल डलवाना है तो हेमराज भाई के, तो वो डीजल डलाएंगे, 5 मिनट लगेंगे, वहाँ रुकेंगे डीजल डला के फिर निकलेंगे। तो भाई ये खड़े हैं, वो हेमराज भाई पीछे डीजल डलाने गए, बस वो आ जाओ तो उनका इंतजार है, बस निकल देते हैं। तो भाई क्या है अभी भरूच टोल पार, और आगे आगे गाड़ी चल रही है, और पीछे पीछे अपना भाई हेमराज भाई, तो अभी ये भाई भरूच का ब्रिज, अभी इस पर लाइटें वगैरह नहीं चल रही हूँ, बाकी मतलब
हर पिलर पर वो लाइट चलती है, फर्श लाइट बोलते उसको, अलग अलग कलर वाली रंग बिरंग की लाइट है, बहुत बढ़िया लगता था। रंग बिरंग की लाइटें चलती थी, एक नंबर ब्रिज तो भाई आगे चल रही है। इसमें क्या भरा है, नींबू ऐसा लग रहा है। अपना खाना वाना और अब हो गए रवाना था। अब तीनों गाड़ी है, एक में नींबू भरा है, एक में भिंडी है, दो में भिंडी है और बस अब रवानगी करते हैं। बस उसी गाड़ी को स्टार्ट और निकलते हैं। अब यह है हेमराज भाई का रॉकेट, छोटा रॉकेट, छोटा धमाका। तो वही निकलते हैं अब। ये चल रहा अपने हेमराज भाई का रॉकेट, रॉकेट चल रहा, रॉकेट साथ में हो तो चलने का मजा अलग रहता है। साथ साथ में बढ़िया सफर भी अच्छा निकलता है। अकेला बंदा क्या चले उसका मन ही नहीं करता, भाई साथ में गाड़ी हो जाए बस दोनों मजा करते करते चलते रहो। आगे निकल गए तो अल पर आगे गाड़ी थी उसका फास्टैग कटानी था, वो आगे निकल गए। अरे मतलब 4-5 किलोमीटर आगे चल रहे मेरे से, तो मैंने भी खींच रखी है गाड़ी को बस के पीछे के पीछे। मैं हेमराज भाई को पकड़ ले रहा हूँ जल्दी से। ये हेमराज भाई 5-6 किलोमीटर पहुंच गए होंगे, बाकी ज़्यादा चलेंगे मैंने क्या पता, क्योंकि 15-20 मिनट लग गए थे मेरे को टोल में। तो चल रहे कंटिन्यू। ये है बड़ौदा एक्सप्रेस नेशनल हाईवे नंबर 1, यहाँ से अहमदाबाद 69। चल रहे बाकी सुपरफास्ट मेरा मीटर भी खराब हो गया, इसको भी चेंज करवाना है। इसको भी चेंज करवाएंगे, इस चक्कर करवाएंगे अगले जगह, इसको भी चेंज करवा लेंगे। मीटर की बोल तो रखा, मीटर आ जावे बस वो भी चेंज करवा लेंगे। अपने स्टेयरिंग तो करवा ही लिया, बढ़िया लगती है एकदम मस्त। और एक मीटर और चेंज हो जाए फिर मजा आ जाओ। भाई हम यहाँ उतर पड़े, अपने सिंगल रोड पे चल रहे अभी, और वो हेमराज भाई जो उधर होकर निकल गए गोधरा में, सोच रहा था वो एक्सप्रेस में आगे आगे चल रहे थे, और वो गोधरा होकर निकल गए और मैं आगे इधर अपने नड़ियाद वाले रोड पे हो गए, जो हमारा फिक्स रोड है परमानेंट इसी रोड पे। तो अब मिलेंगे उनसे मोड़ा सा, वो आएंगे मोड़ा सा और मैं भी निकलूँगा डायरेक्ट मोड़ा सा, फिर मिलेंगे हम मोड़ा सा में। बाकी हमारे को सिंगल रोड पर चल रही है कम से कम 100 किलोमीटर,
100 के आसपास चलना इस पर, फिर मिलेंगे भाई थोड़ा सा जाके। अब तक चलते हैं कंटिन्यू भाई। सिंगल रोड है मतलब पूरा गांव का एरिया आ गया इधर। आसपास में खेत है तो ठंड भी है थोड़ा, इधर हल्की हल्की ठंड सी भी लग रही है। तो बस चल रहे हैं, अब वहीं रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे, वहाँ देखेंगे या फिर उदयपुर देखेंगे, कहीं ना कहीं चाय वाय पियेंगे आगे। तो भाई सीधा जो रोड कपड़गंज पर निकलता है वो रोड है बंद, और हम चल रहे हैं अभी गोधरा वाले रोड पे। इधर से गोधरा वाले रोड से जाएंगे कपड़गंज, और वो रोड है अभी बंद, उसमें क्या फाटक का कोई काम चल रहा है तो इधर घुमा दिया हमारे को। अब इधर हम इधर होके जाएंगे। फिर आ गए अपने सिंगल रोड पे। तो ये रोड है सीधा निकल जाता है कपड़गंज हरियाज के लिए, और यहाँ से आगे से अपन लग जाएंगे राइट बाईपास, और ये सीधा इधर पीछे की तरफ जाता है वो जाता है अपने को लाकोर, लाकोर होके वो माले और हाड़ से निकलता है। तो इस रोड पर एक ब्रिज का काम चालू है, तो इधर होके आते नहीं, पहले फिक्स रोड यही था हमारा, इधर ही होके जाना, इधर ही होकर आने का। तो ब्रिज का काम चालू है, तक काम हुआ नहीं, एक साल से बंद है रोड आगे से, और अपना बाईपास भी तो ये लगी गया है तो थोड़ा सा आगे से आधा किलोमीटर आगे से बाईपास स्टार्ट हो जाएगा अपना। थोड़ा सा पड़ेगा यहाँ से 63 किलोमीटर। पहुंच गए फाइनली अपने भाई के पास, और ये भाई का छोटा रॉकेट बहुत वाइज निकला मेरे से 15 मिनट आगे आ गया। और ये है टॉल,
बड़ा सा टॉल पार करके। तो भाई क्या एरोप्लेन बना दी इसको क्या है? एरोप्लेन बना के लेके आएगा? नहीं मैं आराम से एक ही स्पीड में आया मैं सर, मैं 85-80 ना, मैं 70 मैं 70-75 आया, लेकिन मेरा क्या 10 मिनट मतलब 15 मिनट तो उसमें हो गया घूमने में। ये अपना छोटा रॉकेट तो भाई ये लग गए यहाँ पर 6 लाइन, ये अपने दिल्ली मुंबई वाला मेन हाईवे है, इस पर मेन हाईवे चढ़ चुके हैं। पर ये आ गए सांबला जी गाँव, तो बोर्ड भी लग रहा है कि सांबला जी का। सांबला जी उदयपुर निकल रहे। ये हेमराज भाई को चोटी ली थी, चोटी वोटी ले ली है और ये चाय भी लेके आ गए अंदर, और अब निकलते हैं यहाँ से। और आज के लोग को करते हैं यही सवाल, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।